गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स। और ये देखिए मनी प्लांट की जब इस तरह से रूट्स बन जाती हैं तो फिर आप उनको पानी से निकाल कर और सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने लगी हूँ आज। तो ये देखिए, आपके पास पॉट नहीं है कोई मसला नहीं है, आप कोई प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, वाटर बॉटल, और उसके अंदर सॉइल लीजिए। सॉइल कौन सी लेनी है, सैंडी सॉइल होनी चाहिए, कभी भी चिकनी मिट्टी में प्लांट्स ग्रो नहीं होते। तो और ये देखिए, ये वैसे भी पानी में रखा हुआ प्लांट है जो कि बहुत फ्रीली आराम से इसकी रूट्स पानी में रहती हैं। तो अगर हम इसको इसमें से निकाल के किसी चिकनी मिट्टी में लगा देंगे तो वो फिर रूट्स के लिए बहुत मसला हो जाएगा। तो इसलिए सॉइल हमेशा ऐसी लीजिए जिसमें सैंड ज़्यादा हो, और थोड़ी सी अगर आपके पास कोई सी भी खाद है थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, और बाकी जो थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी होती है वो ले लीजिए। और इसके अंदर अभी मैंने पानी डाल दिया है, ऑलरेडी पानी इसमें डला हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी मनी प्लांट। ये देखिए काफ़ी सारा पानी मैंने दे दिया क्योंकि पहली दफ़ा ही पानी इसमें डाल रही हूँ मैं, तो मैंने एक ही दफ़ा में अच्छा खासा पानी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम लगाएंगे कटिंग को। ये देखिए ये हमने लिया, और इस तरह से रूट अंदर चली जानी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से रूटिंग इसमें स्टार्ट हुई है। तो अब आप इसको इसके अंदर लगाइए। ठीक है, और देखिए रूट भी चली गई और इसके अंदर और प्लांट भी लग गया। और पानी मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें डाल दिया था, और बस अब हम इसको रख देंगे किसी भी सायदार जगह पे। जब भी कोई प्लांट आप फर्स्ट टाइम जब लगाते हैं, कोई कटिंग ग्रो करते हैं, तो उसको डायरेक्टली आपने धूप में नहीं रखना होता है। पहले कुछ दिनों के लिए उसको साय में रखें, उसके बाद फिर आप चाहें तो जहाँ पर धूप आती है वहाँ रख सकते हैं। बट ये मनी प्लांट है तो इसको फुल धूप में हमने नहीं रखना है, ये देखिए, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है। फ़िलहाल मैं भी इसको इंडोर रखूँगी, और जब मुझे लगेगा कि ये थोड़ा सा अब इस काबिल हो चुका है कि इसको बाहर रखा जा सके, तो फिर मैं बाहर भी रख दूँगी। फ़िलहाल ये इंडोर रहेगा, और बहुत आसानी से आप इस तरह से मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं।